प्रूनिंग के बाद जो साफ़ सफाई होगी अब बगीचों की, अभी जो अगला काम चला है हमारा वो है तौलिया बनाने का। ये देखिए सेब के चारों ओर जो तौलिए बनाए जा रहे हैं, ये देखिए अभी यहाँ तक तो बन चुके हैं ये। अब ये बनाऊंगा, इसको बना के बताता हूँ मैं आपको। जो तौलिया बनाने का सही समय है वो होता है, तौलिया जब भी बनाए तो उस टाइम बनाना चाहिए जब नमी हो ज़मीन में। नमी से क्या होता है कि अभी जो इसमें नमी है, अभी तौलिया बनाने का सही टाइम चल रहा है। मैं अभी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, अभी जो इसमें ज़्यादा घास होगा ये देखिए, अभी इसको पूरी तरह से साफ़ किया जाएगा, घास फूस को निकाल के अच्छी तरह से इसका तौलिया बनाया जाएगा। और तौलिया बनाने से क्या होगा कि जो भी हम इसके अंदर वो डालेंगे, खाद डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, माल डालेंगे, गोबर डालेंगे, वो तौलिए के अंदर ही डाला जाएगा, इसके बाहर डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। पेड़ का बनाऊंगा मैं ये हमारा तौलिया बनाने का औजार। वैसे तो ट्रैक्टर ट्रुक्टर से भी बनाते हैं, पर इससे बनाने चाहिए क्योंकि ट्रैक्टर जो होता है वो छोटे ट्रैक्टर जो होते हैं वो उससे भी बन जाते हैं, पर उससे जो होता है वो जड़ों को नुकसान होता है। जो हैंडमेड होते हैं जिसके तरह बनाए जाते हैं उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता जड़ों को। चलो तो शुरू करता हूँ मैं ये तौलिया बनाना, आप देखिए किस तरह से बनाया जाएगा ये। देखिए ये बन के तैयार हो गया है, यहाँ भी ये कंप्लीट हुआ है।